Hello foodies, hello friends, I heartily welcome you on my YouTube channel Eating Mood. So guys, aaj hum banane wale hain Eating Mood par ek sweet dish, yani dessert. So chaliye, agar aap sweet lovers hain or if you have a sweet tooth, this dish is definitely for you. So guys, I hope you have guessed what we are gonna make today. So chaliye, hum banate hain behad hi swadisht रबड़ी. तो रबड़ी वो भी हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में. तो चलिए देखते हैं ये रबड़ी कैसे बनाते हैं. जब भी कोई ओकेशन हो स्पेशल या आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये रबड़ी ज़रूर ट्राई करें. इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा होता है और ये रबड़ी आप बनाने वाले हैं घर पर तो वो हाइजीनिक तो होगा ही. अगर आपका फास्ट है और फास्ट में भी आप इस रबड़ी को ट्राई कर सकते हैं. आप देख सकते हैं रबड़ी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल हलवाई जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है ये रबड़ी. तो चलिए देर किस बात की, बनाते हैं ये बेहद ही लजीज रबड़ी ऑन ईटिंग. तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स. इसके लिए मैं ले रही हूँ सम ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो नहीं करें, फिर भी स्वाद बेहद ही गजब का होने वाला है ना. तो चलिए देखते हैं. यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम मिल्क पाउडर. करीब 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर. कुछ आलमंड्स यानी बादाम, काजू और चिरौंजी ली हुई है, इनको चॉप कर लिया है मैंने. यहाँ पर 2 इलायची ली है फ्लेवर्स के लिए, ग्रीन कार्डमम, और करीब 2 बड़ा चम्मच मैंने लिया है चीनी. चीनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम कर दी है क्योंकि मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स तो है दूध. तो मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है. ये जो मैं दूध ले रही हूँ वो फुल क्रीम मिल्क है. ध्यान दें, जब भी आप रबड़ी बनाएं तो जिस बर्तन में आप रबड़ी बना रहे हैं वो होना चाहिए ओपन कंटेनर. तो मैं यहाँ पर ओपन कंटेनर ले रही हूँ, तो खुले मुंह का बर्तन है और इसमें हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे शुरू में, राइट. तो हम इसको बॉईल कर रहे हैं क्योंकि कच्चा दूध ले रही हूँ, उसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी. अच्छे से जब ये बॉईल हो जाएगा, कुक हो जाए, तो इसके ऊपर एक मलाई की लेयर बनने लगती है. आप देख सकते हैं ये बन गई है मलाई के ऊपर लेयर, यानी दूध अच्छे से हमारा हो गया है कुक. अब बारी है रबड़ी बनने की. तो अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे हाई फ्लेम पे ही, और बिल्कुल हमें स्टेयर करते जाना है बीच बीच में. अगर हम स्टेयर नहीं करेंगे तो दूध जल जाएगा, राइट. तो आप देख सकते हैं, अब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये है इसमें कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो रबड़ी की कैसे आएगी. वो ऐसे आएगी कि जब दूध उबलता जाएगा तो धीरे धीरे एक मलाई की लेयर बनती जाती है. आप देख सकते हैं, तो ये जो मलाई की जो लेयर बन रही है ना, उसको हम साइड में कर देंगे, यानी मलाई की लेयर को हम इकट्ठा कर देंगे साइड में. ये प्रोसेस हमको पूरे एंड तक करना है, राइट. तो ये देखिए एक और लेयर बन गई है मलाई की. फिर से मैंने इस मलाई की लेयर को साइड में कर दिया है. तो धीरे धीरे आप ये जो लेयर्स बनती जा रही हैं इनको साइड में कर देंगे और बीच बीच में क्या करेंगे, इस दूध को आपस में मिक्स करते भी रहेंगे ताकि वो जले ना. अब यहाँ पर हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची. मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 छोटी इलायची जिसको मैं कूट लूंगी. आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ करेंगे तो गाइस चलेगा, बट अगर आप इलायची पाउडर यूज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा. इलायची पाउडर इज मस्ट इन दिस रेसिपी. कोई भी स्वीट डिश आप बनाते हैं तो स्पेशली मिल्क से, तो उसमें दूध पाउडर हो या ना हो, पर ये जो इलायची का पाउडर है वो बिल्कुल होना चाहिए. दूध पाउडर भी ऑप्शनल है यहाँ पर, राइट. मैं आपको बता दूंगी कि आप सब्स्टिट्यूट क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए इलायची पाउडर को, इलायची को. आप देख सकते हैं दूध ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, थिक होना स्टार्ट हो गया है. दूध को हमें अच्छे से उबालना है और रिड्यूस करना है बिल्कुल 1/3, राइट. तो जब तक दूध उबल रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैंने गर्मा गर्म दूध लिया है उसको मिल्क पाउडर में मिक्स कर दिया है, और मिल्क पाउडर में मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि लम्स ना आए, और इसको मिक्स करके एक हम पेस्ट बना लेंगे. तो मैं कह रही थी कि अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप क्या करेंगे. मिल्क पाउडर ज़रूरी नहीं है, मिल्क पाउडर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि क्रीमी टच और ज़्यादा आ जाए सरबड़ी में. आप चाहें तो 1.5 से 2 चम्मच कॉर्न फ्लावर
को पानी में मिक्स करके एक स्लरी बना सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दूध होगा वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, कुकिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी। इन प्लेस ऑफ यूजिंग मिल्क पाउडर यू कैन ऑल्सो यूज मिल्क मेड, यानी कंडेंस मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं मिल्क पाउडर की जगह। तो चलिए मिल्क पाउडर और दूध का जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको हम डाल देते हैं इस गर्मा गर्म बॉइल्ड मिल्क में और अच्छे से कर देते हैं मिक्स। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, है ना, और टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं मैं मलाई की जो लेयर है वो साइड में इकट्ठा करती जा रही हूँ। यही मेन टिप है इस रबड़ी को बनाने की। आखिरी में जो कंसिस्टेंसी मिलेगी वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। इसे चलिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम डाल रहे हैं 2 चम्मच शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, है ना। पर कोई भी मीठा बनाते हैं ना तो शक्कर यानी चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो स्वीट डिश इतनी अच्छी नहीं लगती है, है ना। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं शुगर को। शुगर को मिक्स करने के बाद हल्का सा थोड़ा पतला हो जाता है तो फिर से हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। आप चाहे तो हाई टू लो फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं और ध्यान रहे कि बीच बीच में उसको चलाते रहें। दूध मेरे ख्याल से आधा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है केवड़ा या रोज वाटर, तो उसे 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है रोज वाटर। रोज वाटर डालने के बाद हम डाल देंगे यहाँ पर केसर या फूड कलर। मैं यहाँ पर पिंच ऑफ फूड कलर यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा कलर आएगा इसका। अगर आपके पास केसर नहीं है, फूड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं। पर ध्यान दीजिए हल्दी बिल्कुल चुटकी भर ही होनी चाहिए, ज्यादा होने से हल्दी डोमिनेट हो जाएगा पूरे के पूरे रबड़ी में। अच्छे से मिक्स कर दीजिए कलर के लिए और जैसा कि आप मैंने आपको बताया कि मलाई की लेयर धीरे धीरे बनती जाएगी और धीरे धीरे आपको मलाई की लेयर को साइड में करना है। तो टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि दूध गाढ़ा होता जाएगा और जैसे जैसे दूध की क्वांटिटी कम होती जाएगी मलाई इकट्ठी होती जाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो आप देख सकते हैं दूध काफ़ी थिक हो गया है हमारा, ये मलाई की जो एक लेयर है साइड में जमती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर और बॉईल करेंगे और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिए हैं कटे हुए बादाम, चिरौंजी और कटे हुए काजू। आप चाहे तो पिस्ता भी ले सकते हैं, उसे काफ़ी कलरफुल दिखती है रबड़ी। तो अच्छे से ये सारे ड्राई फ्रूट्स बारीक चॉप करके मैंने डाल दिए हैं और इनको अच्छे से कर दूंगी मैं मिक्स। तो जो रबड़ी बना रहे हैं इसमें दूध को हम तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक ये बिल्कुल 1/3 ना हो जाए। मैं 1/3 तक इसको रिड्यूस करूँगी, तो हाई फ्लेम पर ही कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बस आप देख सकते हैं ये जो मैंने मलाई है रबड़ी जो बन रही है, जो मलाई है इसको मैंने निकाल के आपको दिखाया है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है हमारी रबड़ी की। बस अब हम केवल कुछ मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे या बॉईल करेंगे। तो अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब अच्छे से परफेक्ट कंसिस्टेंसी आने लगे रबड़ी जैसी, मिल्क 1/3 रिड्यूस हो जाए, तो जो आपने इकट्ठा की थी मलाई साइड में, उस मलाई को पूरी का पूरा इकट्ठा करके आप सेंटर में ले आएंगे। मलाई जो हमने इकट्ठा की थी उसको अब अच्छे से पूरे के पूरे दूध में मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट और इसको पकाएंगे। साइड में जो आपको दिख रही है उसको भी आप स्पून से इकट्ठा कर लीजिए और बस 2 मिनट और इसको पकाएंगे। तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया है फ्लेम और आप देख सकते हैं बिल्कुल वही हलवाई जैसी रबड़ी बनकर हो गई है तैयार। जब आप इसको ठंडा करेंगे ना, तो ठंडा करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी बिल्कुल और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी, ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, है ना। तो चलिए ठंडा कर देते हैं और ठंडा करने के बाद हम करते हैं सर्व। आप चाहे तो फ्रिज में रखने के बाद उसको चिल्ड भी सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है, है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं सर्व, ये ठंडी बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका कुछ मीठा खाने का मन करे या आपका फास्ट हो तो बाहर नहीं जाइए, घर पर बनाइए बिल्कुल हलवाई स्टाइल, ये उससे भी काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए हम गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट से, अगर पिस्ता है तो पिस्ता से आप गार्निश कर दीजिए, बादाम से, काजू से, चिरौंजी से, जो भी आपके पास अवेलेबल है ड्राई फ्रूट उनसे गार्निश कर दीजिए। अगर नहीं है तो भी ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगता है ना। तो
सब्सक्राइब कीजिए, खाइए, खिलाइए, बनाइए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। प्रेस द बेल आइकन गाइस फॉर मोर अपडेट्स एंड कीप ऑन वॉचिंग ईटिंग मोर। थैंक यू।